I am Vishal Bhojne from SS Malkapur and delivering you the lecture on the topic of LN class units and measurement. Okay. Now, today we are going to learn significant figures. Okay. That is how many significant figures in the number. Okay. So, such a type of question will be asked in the exams. अब देखो क्या होता है significant. Significant figure किसे कहते हैं और ये किसके लिए इस्तेमाल होता है. Generally, देखो एक्यूरेटली किसी भी चीज़ को हम जितने ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश करेंगे उतने ज़्यादा हम सिग्निफिकेंट का इस्तेमाल करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा अगर किसी बच्चे को 84.92% मिले. ओके किसी बच्चे को परसेंटेज कितने मिले 84.92. अब ये एक्यूरेट है. ओके लेकिन जब उसको आप पूछेंगे तो वो जनरली इतने सिग्निफिकेंट फिगर में नए बताते हुए कितना बताता है 85%. ओके तो हमें बताएं 84.92 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 85. उसने किस तरह से किया. ओके यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे थे 1, 2, 3, 4. उसने 4 सिग्निफिकेंट फिगर में ना बताते हुए आंसर 2 सिग्निफिकेंट में बताया. ओके अब जैसे ही आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को एलिमिनेट करते जाते हो आपकी एक्यूरेसी हिलते जाती है. ओके आपका जो आंसर है वो कम एक्यूरेट आते रहता है लेकिन हमें ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एकदम ज़्यादा एक्यूरेसी तक तो हम मेजर नहीं करते. जैसे कि आप मेडिकल पर गए और आपने एक फेयर एंड लवली खरीदी. चलो ओके फेयर एंड हैंडसम भी खरीद सकते हैं आप लोग. ओके और वो लगभग 19.72 रुपीज़ की आई. तो क्या आप उसको एग्जैक्ट इतने ही पैसे देते हो. ओके हम बड़े दिल से उसको कितने रुपए दे देते हैं 20 रुपीज दे देते हैं. ओके तो ये हम क्या करते हैं ये अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करते हैं. हम अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करते हैं जनरली हमारी डे टू डे लाइफ में. अब अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती. अप्रोक्सीमेट वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती लेकिन ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में हमें बड़े बड़े वैल्यूज के कैलकुलेशन बहुत लंबे कैलकुलेशन को आसान करने के लिए या कोई बहुत बड़ी डिजिट को एकदम शॉर्ट में बताने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं. ओके तो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स इसलिए पढ़ते हैं. अब इसके बहुत सारे रूल हैं किन किन नंबर्स को सिग्निफिकेंट लिया जाता है कुछ नंबर को कौन से नंबर्स को सिग्निफिकेंट लेंगे. ओके कौन से नंबर्स को नहीं लेंगे. ओके जीरो को सिग्निफिकेंट नहीं लेंगे एक्सेप्ट जीरो. ऑल द नंबर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स लेकिन जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर में कब हमें कंसिडर करना है. जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर बोल सकते हैं अगर वो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में है. इस तरह के बहुत सारे रूल्स हैं. ओके तो हम नंबर ऑफ रूल्स को समझेंगे. ओके तो नंबर ऑफ रूल्स हैं हम एक बार उसको समझ लेते हैं. मैं आपको शॉर्टकट में समझाता हूँ. ओके तो ये इतने सारे रूल हैं आप पढ़ेंगे लर्न करेंगे तो इससे अच्छा कि आप टेक्निक सीख लो कि सिग्निफिकेंट फिगर कैसे मेजर किए जाते हैं और शॉर्ट में इन रूल को कैसे ध्यान में रखना है. ओके मैं आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करने वाला ये टॉपिक बहुत शॉर्टली समझाऊंगा और बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा. ओके इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी. नाउ लुक एट दिस. ओके सिग्निफिकेंट फिगर्स जनरली ऑल द नंबर्स ओके एक्सेप्ट जीरो. All the numbers are considered as a significant figure. जैसे कि हमारे पास एक digit है 4, 2, 3. So how many significant figures are there? 1, 2, 3. Because all non-zero numbers, सारे non-zero numbers को हमें क्या कहना है significant figure consider करना है. तो इसमें एक significant figure हो गया दूसरा तीसरा तो ये 3-digit number हो गया 3 significant figure. यही नंबर अगर 4 to 0 रहता तो ये भी 3-digit नंबर है 1, 2, 3. लेकिन अगर हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करो तो जीरो जीरो को हमें सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेना. अब जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर में कब नहीं लेना हमें हमें सारे ट्रेलिंग जीरोज को जो भी जीरोज ट्रेलिंग जीरोज हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेते हैं. ओके कोई भी नंबर के ट्रेलिंग जीरोज को सिग्निफिकेंट फिगर में नहीं लेते हैं और ना ही स्टार्टिंग जीरोज को. अगर इसको आप 0, 4, 2, 0 लिखते फिर भी ये सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट फिगर होता. इस जीरो को हम नहीं लेते और इस जीरो को भी नहीं लेते.
अब जीरो को सिग्निफिकेंट कब ले सकते हैं, ये मेन बात है। सारे नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, उसमें कंसिडर करेंगे, सारे जीरोस को हम नहीं छोड़ेंगे। ओके, जो भी जीरो शुरुआत में आते हैं या एंड में आते हैं हम उनको सिग्निफिकेंट कंसिडर नहीं करते, सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर नहीं करते। अब कौन से जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर करेंगे? अगर कोई संख्या है, ओके, कोई नंबर है 420.0, ओके, अब इस तरह का कोई नंबर है, अब हमें उन जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर लेना है कि जो जीरोस या तो दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आते हैं, या तो दो, ओके, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में आते हैं, ओके, या तो फिर वो जीरोस के बाद में, वो जीरोस के पहले एक नॉन जीरो नंबर आ जाए, ओके, नॉन जीरो नंबर आ जाए और उसके बाद में या पहले एक पॉइंट आ जाए, ओके, जैसे कि एक पॉइंट आ जाए, ओके। अब देखो तो ये संख्या, ये संख्या में है, ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुई, कितने डिजिट नंबर है, 1 2 3 4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुई, तो 1 2। अब इस जीरो को, ये जीरो देखो दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में, इसलिए हम इसको भी सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे, ओके। तो ये भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, 4 सिग्निफिकेंट फिगर, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, समझ में आया। अब यहां पर ओके, पहला रूल है कि सारे जो है सारे नॉन जीरो नंबर्स आर कंसिडर्ड एज अ सिग्निफिकेंट नंबर, ओके। उसके बाद में सेकंड रूल हमने क्या देखा, ट्रेलिंग जीरोस, ओके, ट्रेलिंग जीरोस एंड स्टार्टिंग जीरोस आर नॉट कंसिडर्ड इन सिग्निफिकेंट फिगर, ट्रेलिंग जीरोस और स्टार्टिंग जीरोस को सिग्निफिकेंट फिगर में हम कंसिडर नहीं करेंगे। देन थर्ड रूल, थर्ड रूल क्या है कि जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर कब कंसिडर करना है, इसके लिए रूल है, ओके। ये तो दो रूल हो गए मेन रूल, अब कब जीरो को कंसिडर करेंगे, ओके, जीरो को कब कंसिडर करेंगे, या तो ये दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आना चाहिए, ओके, इफ जीरो इज कम्स इन बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स, ओके। दूसरा, ये पहला रूल हो गया जीरो के लिए, दूसरा कब कंसिडर करने वाले हैं, जब जीरो के आगे, जीरो के आगे नॉन जीरो नंबर हो और पॉइंट हो, ओके, जीरो के आगे क्या होना चाहिए, नॉन जीरो नंबर एंड ओके पॉइंट, ओके। और तीसरा, तीसरा क्या होना चाहिए, या तो जीरो के आगे नॉन जीरो नंबर और पॉइंट हो, या तो जीरो के इस साइड में नॉन जीरो नंबर हो और इस साइड में क्या होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, तब जीरो को, ये केस में जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करने वाले हैं, ये केस में जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करने वाले हैं, और ये केस में नॉन जीरो नंबर, ओके, और इधर भी नॉन जीरो नंबर, दोनों साइड में नॉन जीरो नंबर हो, दोनों नॉन जीरो नंबर के बीच में जीरो आ जाए, या तो नॉन जीरो नंबर और पॉइंट के बीच में आ जाए, या तो नॉन जीरो नंबर और पॉइंट, दोनों, ओके, या तो ये दोनों के बीच में आ जाए, या तो ये दोनों के यहाँ पे आ जाए, दोनों का साथ में आ जाए, ओके, समझ में आया। तो यहाँ पर ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुआ, यहाँ पर हम इस जीरो को कंसिडर करें, क्यों, इसके आगे क्या है, नॉन जीरो नंबर है और इसके पीछे क्या है, पॉइंट, नॉन जीरो नंबर है और पॉइंट है, ओके, इस तरह का, इधर क्या है, जीरो के नॉन जीरो नंबर है और इस साइड में क्या है, पॉइंट है, ओके, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्स है, ओके। अब अगर दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है तो इसको हम कंसिडर करेंगे, एक्स क्या है, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में है, ओके, इस केस में नॉन जीरो नंबर और पॉइंट, नॉन जीरो नंबर और इस जीरो को क्यों कंसिडर करेंगे, क्योंकि इस जीरो के आगे नॉन जीरो नंबर है और पॉइंट है, दोनों भी हैं, दोनों भी हैं, तो इस जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे, तो 1 2 3 और 4, ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गई, तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई है, समझ में आया, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट किस तरह से करेंगे,
ओके तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे इसके बेस पर. देखो सारे नॉन जीरो नंबर क्या है, सिग्निफिकेंट है. ओके ट्रेलिंग जीरोस और स्टार्टिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है. फिर कौन से जीरो को सिग्निफिकेंट फिगर लेना है, अगर कोई संख्या के कोई जीरो के आगे और पीछे दोनों साइड में नॉन जीरो नंबर है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे. किसी संख्या के आगे नॉन जीरो नंबर है और पीछे पॉइंट है तब भी उसको सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे, आगे नॉन जीरो नंबर पीछे पॉइंट. या तो किसी संख्या के आगे नॉन जीरो नंबर और पॉइंट दोनों है तब उसको सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे. ओके तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं. ओके तो मैं ये एग्जाम्पल्स को आपको समझाता हूं. पहला कि ये कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 ये आ रहा है नहीं, ये जीरो को नहीं लेंगे क्योंकि ट्रेलिंग जीरो को हम नहीं लेते. तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर. कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 3. ओके दूसरा ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है. ओके अब देखो ये दो जीरो को क्यों लेंगे, इसके आगे क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है और पीछे क्या है, जीरो. ये दो जीरो को क्यों लेंगे, आगे नॉन जीरो नंबर भी है और सिग्निफिकेंट ये पॉइंट भी है तो इसलिए इन दोनों को भी लेंगे. ओके और इन दोनों को भी लेंगे तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 तो ये कितनी हो गई, 6. समझ में आया. अब 3 7.9 × 10⁻⁴ ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुई, 10 की पावर को सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर नहीं करते हैं. तो ये 1 और 2 सिर्फ दो नंबर है तो ये कितनी हुई, 2 सिग्निफिकेंट फिगर. समझ में आया, 10 की पावर को कंसिडर नहीं करते, वो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में कंसिडर हम नहीं करेंगे. ऑल ऑफ यू गॉट दिस. ओके इस तरह से आप प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करो. इफ यू आर एनी डाउट देन यू कैन कॉन्टेक्ट. थैंक यू.